लाइफ। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करने जा रहे हैं और आप लोग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आप यूएसए ई कॉमर्स करें या इंडियन ई कॉमर्स करें, तो वो सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो पाए और आप जो है एक फाइनल डिसीजन ले पाए कि आपको इंडियन ई कॉमर्स करना चाहिए या फिर यूएसए ई कॉमर्स करना चाहिए। तो ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है, लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ की है और बहुत ही बढ़िया पैसा बनाया है, हम लोग भी इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए यूएसए करना चाहिए, इंडियन करना चाहिए, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। यूएसए ई कॉमर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, अगर वो सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो आप यूएसए ई कॉमर्स करिए, अगर आप वो सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करते तो आप इंडियन ई कॉमर्स करिए। ई कॉमर्स दोनों जगह पे बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन हमें डिसीजन लेना होता है कि हम कहां से स्टार्ट करें, कौन सा ई कॉमर्स जो है हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ये भी एक ही चीज है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो इसके लिए आपको अगर ये जानना है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है, आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो को देख लीजिए। तो अगर ई कॉमर्स आप यूएसए करना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चीजों को आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपके पास बजट कितना है। अगर आपके पास एक डिसेंट बजट है, आपके पास 1,00,000 रुपीज से लेकर 2,00,000 रुपीज है, तो आप जो है यूएसए ई कॉमर्स करिए, क्योंकि वहां पर जो है आपको टेस्टिंग अच्छे से करनी पड़ती है, आपको टेस्टिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट वहां पे सेल होता है, रिसर्च पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा, अच्छे से रिसर्च करने के बाद फिर आप जो है उन प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के ऊपर भी आपको अच्छे से बजट स्पेंड करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर 1,00,000 रुपीज से लेकर 2,00,000 रुपीज का बजट है तो फिर आप जो है यूएसए ई कॉमर्स करिए। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आपके पास सिर्फ 20,000 30,000 50,000 तक का बजट है, तो फिर आप इंडियन ई कॉमर्स करिए, यहां पर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है आपके पास एक डिसेंट बजट होना चाहिए, 1,00,000 रुपीज से लेकर 2,00,000 रुपीज तक का अगर आप यूएसए ई कॉमर्स करना चाहते हैं। अगर आपके पास बजट कम है, 30,000 से लेकर 50,000 तक का है, तो फिर आप इंडियन ई कॉमर्स करिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको जो है अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने इंडियन ई कॉमर्स किया है और इंडियन ई कॉमर्स में अच्छा पैसा बना लिया है, या फिर पहले आपने कभी ना कभी यूएसए ई कॉमर्स ट्राई किया है, या फिर आपके फैमिली में से या फिर आपके रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड यूएसए ई कॉमर्स कर चुका है, तो उसके पास बैठ के आप अच्छे से सारी चीजों को देखिए, उसने कैसे कैसे किया, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स उसको फेस करने को मिली, या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कह रहा है इंडियन ई कॉमर्स करके, और आपने एक अच्छा डिसेंट अमाउंट भी बना लिया है इंडियन ई कॉमर्स में, तो फिर आप जो है यूएसए ई कॉमर्स कर सकते हैं। मतलब आपके पास कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस है एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्ट के लिए, या फिर कौन सा प्रोडक्ट सेल हो सकता है वो सारी चीजें आपको पता है, कैसे एड्स को रन करना है, कौन से वीडियोस को यूज करना है, वो सारी चीजें अगर आपको अच्छे से पता है, आपको स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से पता है, तो फिर आप जो है यूएसए ई कॉमर्स में जा सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इंडियन ई कॉमर्स से स्टार्ट कीजिए। थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि आप जो है जब यूएसए ई कॉमर्स करते हैं तो हम लोग जो है चाइना से प्रोडक्ट्स को शिप करना शुरू कर देते हैं। जब हम चाइना से प्रोडक्ट्स को शिप करते हैं तो चाइना से हमें क्या पता कौन से प्रोडक्ट वो भेज रहे हैं, उनका क्वालिटी भी हमें नहीं पता होता। सेकंड चीज है वो 15-15, 20-20 दिन जो है हमारे डिलीवरी को लग जाते हैं, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है 2-3 मंथ भी चले जाते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर होने के लिए। तो अगर आप चाइना से करने की सोच रहे हैं यूएसए ई कॉमर्स तो आप बिल्कुल भी मत करिए चाइना से। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको यूएसए का वेंडर ढूंढना है, या फिर इंडिया में आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, आप शिपिंग कंपनी से टाई अप कर लिए, यहां से ही आप प्रोडक्ट्स को शिप करें, अच्छा ब्रांडिंग करके प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपके पास वेंडर है यूएसए का, उसके साथ आप टाई अप करके वहां से आप प्रोडक्ट्स को शिप करवाएं ताकि 2-7 डेज के अंदर प्रोडक्ट आपके क्लाइंट के पास पहुंच जाए। तो ये सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। आपके पास यूएसए का वेंडर है तो फिर आप यूएसए ई कॉमर्स करिए, अगर आपके पास चाइना का वेंडर है तो आप यूएसए ई कॉमर्स मत करिए। पुराने समय में ठीक है पैसे बन गए, अब बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो चुकी हैं, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने ई कॉमर्स करना है, क्योंकि यहां पर आपकी लग रही है इन्वेस्टमेंट, यहां पर आपका लग रहा है टाइम, तो दोनों चीजों से आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आपका टाइम भी इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा। तो आपने इन सारी चीजों को ध्यान में रखे ई कॉमर्स करना है। जो भी चीजें, जो भी पैरामीटर्स मैंने आपसे डिस्कस किए, आपके पास अच्छा बजट है,
आपके पास यूएसए का वेंडर है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर आप यूएसए ई कॉमर्स कर सकते हैं। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो फिर आप इंडियन ई कॉमर्स कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप ई कॉमर्स करने की सोच रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, न्यूली हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत ई कॉमर्स कर चुके हैं, तो हमारे कोर्स में आ जाइए, हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपको अमेजिंग हैंड होल्डिंग मिलेगी, पर्सनल आपको हैंड होल्डिंग भी मिलती है, कम्युनिटी की भी हैंड होल्डिंग आपको मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि आप ई कॉमर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ई कॉमर्स का बिजनेस जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा पैसा इसमें बन सकता है, लेकिन आपको सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखना है, सारी चीजों को ध्यान में रखना है, सारी कंडीशंस को फुलफिल करके, सारी मार्केट को स्टडी करके फिर ही आपको इस बिजनेस को करना है, ताकि आप जो है अच्छे से ग्रो हो पाए, आप जो है अच्छे से बढ़ पाए, आप जो है अच्छे से पैसा बना पाए। तो ई कॉमर्स के कुछ वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको आई बटन में भी वो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, और भी वीडियोस को स्टडी कीजिए, देखिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये वीडियो में इतना ही, स्टार्ट कीजिए आप ई कॉमर्स की जर्नी को, जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं उनको इंप्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। थैंक यू, चर्चा, बाय बाय।